हेलो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाली हूँ सोनाक्षी सिन्हा का रिसेंटली जो मेकअप लुक आया है रेड साड़ी में। वो तो आप देख सकते हैं, मैंने एक पिक भी लगाई जहाँ मेरा मेकअप डन हो रखा है, बट मैं वीडियो शेयर करना चाह रही थी। सो यहाँ मैंने मोडी का फेस मिस्ट यूज़ किया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ ऑर्गेनिक फेस सीरम वाइटामिन सी के साथ है। ये बहुत ही अच्छा फेस सीरम है। अगर आप इसे डेली यूज़ करते तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, बहुत शाइन करती है। बहुत ही अच्छा फेस सीरम है। सो मैंने इसे अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर दिया है। इसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है ताकि स्किन थोड़ी सी अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। बहुत ही अच्छी हो जाती है स्किन। CTM करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ मैं लिया मास्क का प्राइमर। तो प्राइमर लगा लूँगी ताकि बेस अच्छा बने मेरा। प्राइमर लगा लूँगी पूरे फेस पर। मैंने अच्छे से प्राइमर लगा लिया है। इसके बाद मैं लूँगी मेरा स्विस ब्यूटी का एल्यूमिनेटर, और ये मैंने ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पर लगाया ताकि हाईलाइट मेरा बेस जो है थोड़ा सा हाईलाइट करे। एंड आप देख सकते हैं जैसा कि बेस बहुत अच्छा है उनका, सोनाक्षी जी का। सो थोड़ा सा ड्यूई सा लुक के लिए मैंने हाईलाइटर पहले लगाया है। यहाँ पर मैंने लैक्मे 925 का फाउंडेशन लिया है। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, बहुत ही लाइट वेट है एंड बहुत इजीली मैंने इसे पहले ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पर स्प्रेड किया। देन मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से सेट कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से, और बहुत अच्छा बेस बन गया था इससे मेरा। यहाँ पर मैंने अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लिया। कॉन्ट्यूर कर रही हूँ, जिसके लिए मैं ले रही हूँ NYB की कॉन्ट्यूर स्टिक। तो यहाँ पर नोज़ पर, चिक पर, चिन पर और थोड़ी सी फोरहेड पर भी, पर इनका फोरहेड थोड़ा सा बड़ा है जैसा कि मेरा भी है। सो थोड़ा सा ही कॉन्ट्यूर मैंने यूज़ किया। इसके बाद अच्छे से मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लिया। यहाँ पर मैं लिप एंड चिक टिंट ले रही हूँ ब्लश के लिए। ये बहुत ही अच्छा है, इतना क्रीमी है कि ये फिंगर से बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है एंड ये बहुत ही अच्छा शेड है। सो इसे मैंने फिंगर से ही पूरा ब्लेंड कर लिया। इसके बाद मैंने लगाया है कंसीलर। ये किस ब्यूटी का कंसीलर है, अपनी अंडर आइज़ पर, थोड़ा सा नोज़ पर। देन मैंने वेट ब्लेंडर से इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया। तो बेस मेरा हो गया क्रीम वाला। सो इसे मैंने लिया है ब्लू हेवन का लूज पाउडर एंड यहाँ पर बेकिंग की है मैंने ताकि थोड़ा सा अच्छे से मेरा बेस जो है कंसीलर जहाँ भी लगाया वो थोड़ा सा सेट हो जाए। इस बार डस्ट आउट कर दिया मैंने इसे। देन स्विस ब्यूटी का मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया और पूरे बेस को जो है वो अच्छे से सेट कर दिया। सो इसके बाद मैं ले रही हूँ अपनी यहाँ पर मेरा बेस जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर मैंने पाउडर कॉन्ट्यूर लगाया, उसके बाद ब्लश लगाया, शुगर की पैलेट ली है, इसी में से मैंने हाइलाइटर लगाया। सो फेस का मेकअप मेरा डन हो गया। इसके बाद मैंने जो है सेटिंग स्प्रे लिया और इसे अच्छे से लॉक कर दिया एंड वेट ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने डैपिंग करते हुए सेटिंग स्प्रे को सेट कर दिया ताकि बेस जो है वो अच्छा सा लॉक हो जाए। इसके बाद बारी आती है आईज़ की। तो मैं आईब्रो पेंसिल से थोड़ी सी डार्क आईब्रो करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रोज़ की क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क थी। आईज़ के लिए मैंने एक ऑरेंज शेड पिक किया एंड पूरी आईब्रोल पर मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर दिया। इसके बाद मैंने एक ब्राउन कलर पिक किया और इसी के ऊपर थोड़ा सा मैंने ड्रैग कर दिया। इसके बाद मैंने लिया है गोल्डन कलर का शिमर और इसके ऊपर अप्लाई कर दिया यहाँ पर हाफ आईब्रोल पर। इसके बाद मैंने एक हाईलाइटर लिया वाइट कलर का, ब्राउ बोन पर अप्लाई किया। यहाँ मैंने काजल ली है जो कि है माई ग्लैम की एंड ये बहुत ही अच्छी काजल है। इससे मैंने एक आईलाइनर क्रिएट किया और इसे मर्ज कर दिया ब्रश की हेल्प से। तो यहाँ इस तरीके से मैंने आईलाइनर क्रिएट किया एंड इनका जो आई लुक है वो थोड़ा सा डार्क होता है। सो मैंने नीचे का काजल जो है वो थोड़ा सा डार्क लगाया और लास्ट कॉर्नर पे दोनों को मिला दिया इस तरीके से। यहाँ पर मैंने दोनों आईज़ को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मैंने मस्कारा लिया और यहाँ पर मैं ले रही हूँ मार्स का मस्कारा। बहुत ज़्यादा मस्कारा नहीं अप्लाई करूँगी क्योंकि मैं फेक लैशेज यूज़ करने वाली हूँ, उन्होंने नहीं किया। बट मेरे को फेक लैशेज़ के बिना थोड़ा सा अधूरा मेकअप लगता है और मेरी लैशेज दिखाई भी नहीं देती, तो मैंने सोचा मैं अप्लाई कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने फेक लैशेज़ अप्लाई कर ली। ये
इसके बाद बारी आती है लिप्स की। तो यहाँ उनकी लिपस्टिक का कलर मुझे कुछ न्यूड था बहुत ही ज़्यादा, बट मैंने आउटलाइन देख थोड़ी बहुत दिखाई दे रही थी सो मैंने ब्राउन कलर की अप्लाइड लगाई। इसके बाद मैंने जो चिक एंड टिक लिप्स लिप एंड चिक टिंट था वही अप्लाई कर दिया, बिकॉज वो जो है उनके लिप्स से थोड़ा मैच कर रहा था और मुझे लगा कि लिपस्टिक ऐसी ही है। सो मैंने यहाँ पर लिप एंड चिक टिंट अप्लाई किया और ब्राउन कलर की लिप लाइनर के साथ लिप्स का मेरा लुक जो था वो कंप्लीट किया। इसके बाद बारी आती है बिंदी की। तो मैंने बिंदी देखी, थोड़ी सी बड़ी बिंदी लगानी थी तो यहाँ पर मैंने ली है रेड कलर की बिंदी। एंड बिंदी लगाने के बाद ये मेरा मेकअप लुक जो है कम्प्लीट हो गया। इसके बाद बारी आती है हेयर स्टाइल की। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा हेयर स्टाइल बनाया है जैसा कि गजरा वजरा लगा कर एंड मांग में सिंदूर भर के। यहाँ पर बाल मेरे थोड़े से जो छोटे छोटे होते हैं वो उठे हुए होते हैं, उन्हें मैंने ये देख सकते हैं इस तरीके से चिपका दिया था। ये एक हैक है जो मैंने किया, वैक्स है इस आईब्रो पैलेट में, स्विस ब्यूटी की आईब्रो पैलेट है। तो यहाँ पर ये मेरा मेकअप लुक ओवर कंप्लीट हो चुका है। इयरिंग मैंने वियर कर लिए हैं, हेयर स्टाइल मेरा डन है और ये है मेरा ओवरऑल मेकअप लुक। रेड कलर की मैंने चूड़ियाँ भी डाल ली थी। तो मेकअप लुक मेरा कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितना क्या आप बोलेंगे किस हद तक मैंने इसे रिक्रिएट किया है। तो मेकअप अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।